पर्यावरण प्रेमी नरेंद्र सैनी पहले भी पर्यावरण से संबंधित मामलों को जनता तक पहुंचाते रहे हैं। वहीं नरेंद्र सैनी ने कुछ और ऐसी तस्वीरें आगे लाने का प्रयास किया है। इन तस्वीरों के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं नरेंद्र सैनी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं नरेंद्र सैनी, पर्यावरण प्रेमी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अवैध रूप से मछलियाँ पकड़ी जा रही है ब्यास नदी में। पहले ये शरारती तत्व रात को नेट फाई लगाते थे या दूसरे तरीके से मछलियाँ मारते थे। अब इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि ये दिन को भी मतलब ये नेट और फाई लगा रहे हैं। इसका नियम है कि जो लाइसेंस होल्डर है, एक होता है फेंकने वाला जाल, उसके दो सौ रुपये का लाइसेंस बनता है एक वर्ष के लिए, और एक होता है कुंडी डोरी जिसमें आगे कांटा लगा होता है, वो बनता है दिन का 100 रुपया। तो वो ना करें ये लोग इलीगल धंधे में डटे हुए हैं। यही नहीं बल्कि जहाँ ये फ्लोर डैम का काम चला हुआ है ब्रदबीर के पास ऊपर, वहाँ से भी उनका शिकायते हैं और पंडो तक और ऊ नदी, ये जो आपके कमान वगैरह हैं बाड़ी कमान तक, अब यहाँ ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं, तो ये इस ढंग से ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और जहाँ तक विभाग की बात है या इसके जो फिशरी मिनिस्टर जी हैं हमारे कंवर साहब, उनको मैंने लेटर लिखा है, डायरेक्टर साहब को भी, ये आदमी भेजो, ये विभाग वाले मंडी वाले कहते हैं फिशरी वाले के हमारे पास आदमी नहीं है। तो अभी आदमी तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने एसपी मंडी को भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि आप अपने आदमी भेजो। लेकिन इन लोगों के धंधे तो बढ़ गए हैं कि ये जिस ढंग से मछलियां मार रहे हैं तो उसमें कई प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं, तथा इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो प्रवासी लोग अधिक हैं जिनको कोई डर नहीं है। अब सारे हेडक्वार्टर मंडी में ही हैं। अब जैसे कि मतलब रात को आज भूकंप आया, तो ये जो नेचर के साथ ज़्यादा छेड़खानी हो रही है, जैसे कॉलेजी जिसको जो जीव जंतु हैं समुद्र के हैं या नदियों के हैं, ये जितने ख़त्म होंगे तो एनवायरनमेंट पर इसका असर पड़ रहा है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये, और ये जो आपके दूसरे यही लोग जो हैं रात को जंगलों में इलीगल यानी कि नेट फाई लगा कर ये जंगली मुर्गियाँ दूसरे जानवरों को भी ख़त्म कर रहे हैं, और जिसके कारण ये जैसा कि मैंने बोला कि भूकंप वगैरह, तो आने वाले टाइम जितना पर्यावरण खराब होगा, जितनी प्रकृति के साथ छेड़खानी होगी, तो उतना आगे खतरा है। और पहले भी जो हिमालयन रेंज है, जैसे मतलब नेपाल है या हमारा हिमाचल है, जे एंड के है, उत्तराखंड है, तो वहाँ वार्निंग दी जा चुकी है कि यहाँ 8 पॉइंट से ऊपर भूकंप आ सकता है। तो आम लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसमें जहाँ भी इलीगल काम होता है वहाँ खड़े हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन जो जंगली जानवर हैं या जो मछलियाँ हैं उनको बचाने का प्रयास करें, और जितनी भी प्लांटेशन है उसमें ध्यान दें। जितना प्लांटेशन हम लगाएंगे या उतना हमारे नदी नाले साफ रहेंगे, तो हमारा वातावरण ठीक होगा, इन्वायरमेंट ठीक रहेगा।